क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी में इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द डिस्कशंस ऑन डेथ कल्चरल इंटरप्रटेशंस डेथ की क्या हैं इस पे बात आगे चलाते हुए मौत एक मांदगी का वक्फा है यानी आगे चलेंगे दम लेकर जिस इजारे अफसोस के नोट में ये लिखा हुआ था उसने बहुत तसली भी दी लेकिन सोच बहुत ज़्यादा देती है ये चीज़ कि अगर ये एक वक्फ़ा है तो ये ट्रांज़िशन हो गई जैसे हम ट्रांज़िट में होते हैं सफ़र में तो उस ट्रांज़िट के बाद क्या ये एक ट्रांज़िशन है और ये ट्रांज़िशन ये क्रिश्चियन फेथ में भी है इस्लाम में भी है तकरीबन तो तमाम रिलीजनस में कोई भी रिलीजन ऐसा नहीं है जो डेथ को जिंदगी का अख्ताम समझता काफिल समझे हैं इसको अख्ताम ज़िंदगी ये है शाम ज़िंदगी सुबह दवा में ज़िंदगी यानी एक ज़िंदगी जो इस दुनिया में है उसकी शाम हो रही है और एक दूसरी ज़िंदगी जो दूसरी दुनिया में है उसकी सुबह तलवा हो रही है तो जब से मुझे और हमारी तरह बहुत से लोगों को ये ट्रांज़िशन का कॉन्सेप्ट नज़रिया या फीलिंग एक्सेप्ट हुई है और समझ में आई है तो फिर आप इसको एक कंटिन्यूटी एक सफ़र की कंटिन्यूटी समझते हैं और तमाम अध्ययन में मौत को इसी तरह लिया गया है कि ये एक जगह से दूसरी जगह का सफ़र है और जहाँ का ये सफ़र है उसकी जो मंजिल है वो एक हायर और ज़्यादा ग्लोरियस जगह है क्रिस्टैनिटी में भी ये बात आपको बहुत मिलेगी और इस्लाम में भी कि वो जगह इस जगह से बेहतर है इसके हवाले से और भी बहुत सी बातें होती हैं आपके आमाल आपके साथ जाते हैं आपका जसम यहाँ रह जाता है सो so, इस ट्रांजिशन में क्या होता है रिमेंस क्या है और जाने वाली क्या चीज़ है यानी रिमेन्स यानी क्या रह जाता है बाक़यात और जो चीज़ बाकी नहीं रहती जो यहाँ रह जाती है वो क्या जो आगे जाती है वो क्या तो इसके ऊपर बॉडी एंड सोल का कॉन्सेप्ट है तमाम अध्ययन में कि रूह चली जाती है इसके बारे में टीट्सबर्ग हार्ट ने कहा है कि जिसम एक मकान की मानद है और मकान मकीन के बग़ैर कुछ नहीं होता तो जब रूह निकल जाती है तो मकान ख़ाली हो जाता है और उसके बाद वो डीके में चला जाता है तो हमें कितनी जल्दी होती है जब रूह चली जाती है कि अब हम ये किस काम की ये वही जिसम जिसके हम दिन रात हिफाजत करते हैं जिसको हम फीड करते हैं जिससे हम मोहब्बत करते हैं जिसकी वजह से हम दूसरों से मोहब्बत करते हैं हम उनकी शक्ल जिसम उनकी ताकत और अपनी जो सलाहियत है दिमाग की जिसके ज़रिए वो कमाते हैं और कामयाब होते हैं उन्हीं चीज़ों से तो उनकी दुनिया में वैल्यू होती है और उसी से हम ख़ुद भी मोहब्बत करते हैं और दूसरे भी हमसे इसी वजह से इम्प्रेस uh, होते हैं या पॉपुलर समझते हैं हमें तो वो चीज़ खाक में जाने के लिए हम कितनी जल्दी छोड़ कर आते हैं इसीलिए ये बहुत कहा गया है कि मौत को याद रखो और ये इंक्रीजिंगली वेस्टर्न कल्चर्स में इसकी शक्ल बदल गई है मतलब ये कि मौत की बात भी होती है उस पर नज़में भी हैं उस पर शायरी भी है उस पर ड्रामे भी हैं है। मौत को नोबल भी कहा जाता है कि एक शानदार मौत जब आपने ज़िंदगी दे दी किसी को बचाने के लिए ज़िंदगी दे दी बड़े कॉज के लिए वो हर कल्चर में बच्चों की कहानियाँ बड़ों की कहानियाँ आपको मिलेंगी जिसमें ज़िंदगी दे देना एक नोबल काम होता है तो ये तस्वुर के यहाँ क्या, क्या रह जाना है और क्या चले जाना जो है ये कल्चरल इंटरप्रटेशन जो है वो एक डेथ की हमने देखनी है कि सिमिलैरिटी इसमें क्या है। बिल्कुल है ये बात सही है कि रिलीजियस बिलीव्स और पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं डेथ के साथ निभा करने में डेथ के बाद उससे इमर्ज uh, करने में जब किसी की डेथ हो जाए प्यारे की लेकिन इसमें एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको क्या सपोर्ट मिल रही है स्परिचुअल सपोर्ट को मैं ज़्यादा स्ट्रेस करूँगी इसलिए कि वो सपोर्ट आप खुद को दे रहे होते हैं और दूसरों के जरिए भी आप तक पहुँच रही होती है ये इमोशनल सपोर्ट से ज़्यादा अहम है मैं। इसलिए कि आप एक चीज़ का मतलब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका क्या मतलब है मुझसे एक छोटे बच्चे ने दो तीन इस तरह का सवाल पूछा पहले उसने कब्रिस्तान को जंगल कहना शुरू किया जहाँ उसके बाप की कबर और फिर वो जब वहाँ जाता है तो वो कहता था हेलो बाबा वालेकुम बाबा उसके बाद उसने पास से गुजरते हुए कहा कि आई नो ही लिव्स इन द हाउस ऑफ अल्लाह ही लिव्स विद अल्लाह बट कैन ही कम बैक टू लिव हेयर अब ये वो सवाल है जिसका आपका दिल हर दफ़ा टूटता है सवाल का जवाब देते हुए लेकिन ये हकीकत है कि जब ये डायलॉग हो रहे हो तो आपको उन बातों का जवाब भी देना है और आपको तब टटोलना तो 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 पड़ता है कि मैंने मैं क्या जानती हूँ उसके बारे में और जो हम जानते हैं वो हमने एक मासूम जहन को जिसका भी कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ बन रहा है किस तरह से ट्रांसफ़र करना है और मैंने ये एक्सेप्टेंस आते देखी है कि एक कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ पहले बचगाना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कि वो कोई फिजिकल वर्ल्ड नहीं है जहाँ पे आपका प्यारा जाने वाला है तो इसमें वो जो स्पोर्ट है कि इसके इमोशनल से ज़्यादा इसके जो स्पिरिचुअल और यूनिवर्सल और मेटाकॉस्मिक आप कह लें इसकी जो मिस्टिकल डायमेंशन है जो रियलिटी है उसको आ, जब आपके सोच में जगह मिल जाती है तो फिर इसको समझना और इससे कोप करना जो है और इसके साथ रहना बल्कि एक अच्छी चीज़ बनती जाती है क्योंकि आप अब रियलिटी में रह रहे हैं ट्रेडिशनल अफ्रीकन बिलीफ सिस्टम में इबादत की जाती है हमने पहले नाइजेरिया का जैसे केस किया तो उसमें आप ड्रिंक्स भी सर्व होते हैं खाना भी सर्व होता है पैसे के भी सदके दिए जाते हैं प्लस प्रोटेक्शन और ब्लेसिंग्स की दो आती है जो कि मैं अपने कल्चर के हवाले से भी बता चुकी हूँ पहले तो ये ये वो कॉमन चीज़ें हैं जो तमाम कल्चर्स में इन रिचुअल्स के हवाले से की जा रही होती हैं इन पे मुख्तलिफ नज़रियात पाए जा सकते हैं कि क्या चीज़ इस मौके पे रहने वालों के लिए मददगार है और क्या चीज़ जाने वालों के लिए मददगार है इस टॉपिक पे बहुत बातें हो सकती हैं मसलन हमारे कल्चर में इस पर एग्रीमेंट नहीं है कि कबर पक्की होगी या कच्ची होगी और कबर पे औरतें जाएंगी और जुमेरात को जाएँगे आप तो क्या होगा और जुमे को लेकिन वो प्रिवलेंट बिलीव हैं इसीलिए आपको जुमेरात जुमे को लोग ज़्यादा मिलेंगे और उसके बारे में कुछ लोग ओपनली ये कहेंगे कि जी रूहें उस दिन आई होती उन्हें पता चलता है कि आप आए हैं मुझे किसी ने यही कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कबर के पास से गुज़रे वो रुक गए और उन्होंने वहाँ एक ताज़ा शाख लगा दी और उन्होंने कहा कि मैंने इस कबर को इस वक्त रहमत की इसके लिए दुआ की है और उसी के बारे में ये कहा गया कि वो रात की बात हुई थी कभी तो अगर ये ख़ास अनायत और अताउनी को थी कि वो उनके आने का या उनको ख़बर थी इस चीज़ की कि वो कहीं गए हैं तो जो दफन है उसको पता चले या ये तमाम आलम इंसान के लिए यही सवाल पिछले दिनों कहीं हम डिस्कस कर रहे थे लेकिन वो जो प्रैक्टिस है उसके बारे में हमारे एक बुज़ुर्ग ने कहा कि इसको करने में तो कोई हर्ज नहीं है कि अगर किया गया तो यकीन इसका कोई ना कोई मकसद होगा इसीलिए आपको ज़्यादा एक ये चीज़ मिलेगी तो अपने कल्चर की तो आप इन रिवायात को जानते हैं बाहर अगर आप कभी कब्रस्तान विज़िट करें या मौत के मौके पे किसी को मिलें तो आपको बहुत सी यही चीज़ें मिलेंगी जो नॉन वेस्टर्न में हैं खाना पीना सर्व करना खास रंग के कपड़े पहनना ख़ास रंग के कपड़े ना पहनना थोड़ा खामोश होना एहतराम करना म्यूज़िक ना लगाना घर वालों को सपोर्ट देना कब्र पे जाना हमने ये भी देखा कि मशहूर लोगों की कब्र पे भी और आम लोगों की कब्र पे भी लोग तोहफे रख जाते थे कीमती तोहफे उतार के भी रख जाते थे किताब रख गए कोई मोमेंटम कोई नेकलेस रख गए फूलों के अलावा वो एक तरह की जगह है जहाँ आपको लगता है कि अब मैं उससे मिल रहा हूँ जो जा चुका है पर मैं किसी लेवल पर ज़रूर मिल रहा हूँ